हेलो दोस्तों, सक्सेस हब में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम केशव, आज मैं आपको इस वीडियो में डीआई के क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि पाइप एंड सिस्टम्स पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो ये जो डीआई है अपकमिंग एग्जामिनेशन लाइक कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक, ठीक है, इन दोनों एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों अगर मिला के देखा जाए 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो क्वांट में आते हैं उनमें से 20 क्वेश्चंस जो होंगे, मिनिमम 20 क्वेश्चंस जो होंगे वो डीआई से होंगे। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए दोस्तों तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें, इससे आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल पाएंगी। ओके दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस क्या क्या क्वेश्चंस है। ओके दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा डीआई का क्वेश्चन जो है बार ग्राफ है। ठीक है, बार ग्राफ पे बेसिक डीआई है। ठीक है, और वो डीआई जो है वो हमारा किस पे है, पाइप एंड सिस्टम्स पे है। ठीक है, तो सबसे पहले 30 सेकेंड्स है हमारे पास स्टार्टिंग का, जिसमें इस 30 सेकेंड्स में हम लोग इस बार ग्राफ को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय 6 डिफरेंट पाइप्स टू फिल और एम्प्टी, ओके, टू फिल और एम्प्टी द टैंक ऑन देयर ओन। ओके, तो मतलब 6 पाइप है, पाइप 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो सब पाइप जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ आवर्स दिए हुए हैं, और उन डिफरेंट आवर्स में या तो वो लोग पाइप जो हैं भर रहे हैं या तो खाली कर रहे हैं। ठीक है, तो पाइप 1 जो है वो 20 आवर्स लेता है खाली करने में या फिर भरने में किसी भी टैंक को, वही पाइप 2 जो है उसी टैंक को भरने या खाली करने में 25 आवर्स लेता है, और सेम टैंक को भरने में पाइप 3 जो है 45 आवर्स ले रहा है, और पाइप 4 जो है 55 आवर्स ले रहा है, और पाइप 5 35 एंड पाइप 6 जो है वो 24 आवर्स ले रहा है। ठीक है, तो मैं तो इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स जो कि परसेंटेज मेथड से हम लोग बनाएंगे कि, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 100% ले लेंगे। ठीक है, 100% मान के हम बनाएंगे इसको, मान मीन्स 100% मीन्स मतलब हो गया कि कोई भी काम है जो कि अगर वो कम्प्लीटली फिनिश्ड हो रहा है तो वो 100% फिनिश्ड हो रहा है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, पाइप ए कैन फिल और एम्प्टी, ठीक है, टैंक एम्प्टी टैंक एट द रेट ऑफ 5 टाइम्स ऑफ द पाइप 1, ठीक है, एंड पाइप 1 कैन फिल और एम्प्टी द टैंक, पाइप बी कैन फिल एम्प्टी द टैंक एट द रेट ऑफ 5 टाइम्स दैट ऑफ पाइप 2 कैन एम्प्टी और फिल द पाइप एंड द टैंक, एंड पाइप सी कैन फिल और एम्प्टी द टैंक एट द रेट ऑफ 4.5 टाइम्स दैट ऑफ पाइप 3 कैन एम्प्टी और फिल द टैंक। If pipe A and pipe C are used for filling the tank and pipe B is used for emptying the tank, then how much time is required to fill the tank completely? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पाइप ए पाइप बी और पाइप सी का बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा पाइप ए पाइप बी पाइप सी कहीं दिया नहीं हुआ है, लेकिन हमारा पाइप ए का और पाइप वन का रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, पाइप वन जो है जितना टाइम ले रहा है उसके 5 गुना टाइम ले रहा है पाइप ए। ठीक है, और पाइप बी और टैंक पाइप बी और पाइप टू का रिलेशन दिया हुआ है, मतलब वही 5 टाइम्स ले रहा है, मतलब जितना टाइम्स पाइप टू ले रहा हो उसका 5 टाइम्स जो है पाइप बी ले रहा होगा टाइम्स। ठीक है, और उसके बाद दिया हुआ है पाइप सी और पाइप थ्री का रिलेशन। ठीक है, तो वो भी 4.5 टाइम्स का है रिलेशन। ठीक है, तो हमसे और तीसरा चीज क्या कर रहा है, थर्ड चीज बोल रहा है कि पाइप ए और पाइप सी जो है वो क्या कर रहा है, टैंक को भर रहा है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पाइप बी जो है वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ठीक है, वो खाली कर रहा है। ठीक है, तो अब सबसे देखते हैं परसेंटेज मेथड से हमको बनाना है इसको, तो क्या क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए 100%, ठीक है, 100% भर रहा है अगर, तो पाइप ए जो है कितना पूरा भरने में कितना टाइम, मतलब 100% भरने में कितना टाइम ले रहा है, 20 आवर्स ले रहा है पाइप वन। ठीक है, तो मतलब अगर इसका देखा जाए तो वो जो है 1 आवर में कितना परसेंटेज ऑफ भरेगा, तो 20 से डिवाइड करेंगे पाइप वन का। ठीक है, वन का तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, 5% मतलब एक घंटे में 5% भरेगा, तो ए और वन का, पाइप ए और पाइप वन का रिलेशन दिया हुआ था। ठीक है, हमारा तो पाइप ए जो है वो 5 टाइम्स भर रहा है, तो मतलब 5 × 5 यानी 20% ऑफ टैंक जो है पाइप ए भर रहा है। ठीक है, और फिर पाइप टू का देखते हैं हम लोग, पाइप टू का क्या दिया हुआ है, 100 upon 25 = 4%, मतलब पाइप टू जो है 4% ऑफ टैंक जो भर रहा है एक घंटे में। ठीक है, तो पाइप बी का क्या दिया हुआ था रिलेशन, पाइप बी का रिलेशन दिया हुआ था पाइप टू के साथ, तो वो 5 गुना था। ठीक है, तो 4 × 5 = 20%। ठीक है दोस्तों, सॉरी 25%, सॉरी। अब पाइप थ्री का देख रहे हैं, ठीक है, पाइप थ्री का देख रहे हैं, तो 100 upon 45% ऑफ टैंक एक घंटे में भर रहा है,
अब पाइप थ्री और पाइप सी का रिलेशन दिया हुआ था 4.5, ओके, तो 4.5 यानी पाइप क्या हो जाएगा, पाइप सी इज इक्वल टू 100/45 इंटू 45, ठीक है, 4.5, तो ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, ये 10, 00 गेट कैंसिल, 45 गेट कैंसिल, मीन्स 10% ऑफ टैंक जो है भर रहा है पाइप से, ठीक है। तो हमारा पाइप ए जो है और पाइप सी जो है वो भरने का काम कर रहा है और पाइप बी जो है वो खाली करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 25 प्लस 10 हो जाएगा क्योंकि भर रहे हैं ये लोग, ठीक है, और खाली कर रहे हैं मतलब माइनस हो जाएगा, माइनस 20, ओके, तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस 10 35, 35 माइनस 20 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। यानी तीनों अगर काम कर रहा है, तीनों पाइप अगर काम कर रहा है, ठीक है, एक साथ, तो टैंक जो है 15 एक घंटे में कितना परसेंट भर रहा है, 15% भर रहा है, ठीक है। तो कम्प्लीटली मतलब 100% टैंक भरने में कितना आवर लग जाएगा, तो 100/15% करेंगे हम लोग, ठीक है, तो 5 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 2/3 आवर्स, ओके, तो मतलब 6 2/3 आवर्स में पूरा टैंक जो है 100% जो है वो भर जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही डीआई पे बेस्ड है, वही ग्राफ पे बेस्ड है, ठीक है। तो हमारा क्या कर रहा है, इफ पाइप सी कैन फिल और एम्प्टी 500 लीटर्स इन 2 आवर, ठीक है, देन हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड फॉर पाइप्स 1, 2 एंड 6 टू फिल द अनदर टैंक ऑफ कैपेसिटी 23700 लीटर। तो टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है, टोटल टैंक की कैपेसिटी हमें पता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि पाइप सी जो है 2 घंटे में कितना भर रहा है, 500 लीटर भर रहा है। तो अगर पाइप सी 2 घंटे में 500 लीटर भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 250 लीटर भरेगा, ठीक है। लेकिन पाइप सी जो है मतलब 100% टैंक को भरने में कितना टाइम लगा रहा है, 24 आवर्स टाइम लगाता है, ठीक है। तो मतलब 1 घंटे में अगर 250 लीटर्स भर रहा है तो 24 घंटे में वो 24 आवर में कितना भरेगा, 250 × 24 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6000 लीटर। मतलब टैंक की कैपेसिटी जो है हमारा पता चल गया, टैंक हमारा 6000 लीटर का है, ठीक है, सॉरी 60000 लीटर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 60000 लीटर का कैपेसिटी है टैंक का, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 250 × 24 जो होगा वो हमारा 6000 होगा, ओके, मतलब 6000 लीटर का टैंक है, ठीक है, हमारा 6000 लीटर का टैंक है, अब हमारा एक कोई टैंक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये मिस कर दिया था, अनदर टैंक, ठीक है, मैंने अनदर टैंक मिस कर दिया था, ठीक है। मतलब हर वर्ड का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों क्वेश्चन में, ठीक है, हर वर्ड्स आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मैंने मिस कर दिया था, यहाँ पे देखे कितना बड़ा ब्लंडर हो गया। तो आप देखते हैं कि 6000 लीटर को टैंक भरने में 24 आवर्स लगा रहा है पाइप सिक्स, ठीक है, उसी तरह पाइप वन, पाइप टू एंड पाइप सिक्स, ठीक है। तो पाइप वन जो है एक टैंक को भरने में कितना टाइम लगाएगा देखते हैं हम लोग। तो मतलब आप देखें तो पाइप सिक्स जो है, पाइप वन जो है मतलब किसी भी टैंक को भरने में कितना टाइम लगा रहा है, 20 आवर्स लगा रहा है, ठीक है, 20 आवर्स लगा रहा है। तो अगर 6000 लीटर है, ठीक है, 6000 लीटर का टैंक है हमारा, तो मतलब 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा पाइप वन, तो अपन 20 करेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना आ रहा है, 300 लीटर आ रहा है। मतलब कोई भी टैंक है, अगर पाइप है और कोई भी टैंक है, ठीक है, तो 1 घंटे में वो पाइप, पाइप वन जो है, पाइप वन वो हमको 300 लीटर 1 घंटे में पानी देगा, ठीक है। उसी तरह पाइप टू जो है 6000 लीटर का टैंक है मान लिया हम, ठीक है, 6000 लीटर का टैंक है, ठीक है, और मतलब 6000 लीटर का टैंक भरने में उसको लगा रहा है 25 घंटा लगा रहा है, ठीक है। तो एक मतलब वो 1 घंटे में कितना लीटर पानी देगा हमको ये निकाल रहे हैं, ठीक है, 1 घंटे में लीटर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 240 लीटर हो जाएगा, 240 लीटर हमारा पाइप पानी जो है 1 घंटे में हमारा देगा कौन, पाइप टू, ठीक है। और पाइप सिक्स का तो हमारा दिया ही हुआ है, पाइप सिक्स जो है हमारा 1 घंटे में कितना लीटर दे रहा है, 250 लीटर दे रहा है, ठीक है। तो टोटल तीनों पाइप जो है 1 घंटे में, 1 आवर में कितना लीटर्स पानी दे रहा है, तो 300 + 240 = 550 + 250 = 790 हो जाएगा, 790 लीटर्स पानी दे रहा है, ठीक है। तो हमारा अब कह रहा कि कोई अनदर टैंक है, ठीक है, कोई अनदर टैंक है जिसका कैपेसिटी है 2370 लीटर का टैंक है, और
एक घंटे में इतना तीनों पाइप जो है मिल के तीनों पाइप जो है एक घंटे में इतना लीटर पानी देता है, तो कितना घंटा लगाएगा, मतलब कितने आवर्स लगाएंगे तीनों पाइप मिल के भरने में, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा दोस्तों, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 30 आवर्स, ठीक है। मतलब कैलकुलेट कीजिए इसको 30, ओके। अब अगर डिवाइड कीजिएगा तो 30 ये कट जाएगा, 237 ये 3 से हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा 30, ओके। मीन्स 30 आवर्स में तीनों पाइप जो है 23700 लीटर का कोई टैंक है उसको 30 आवर्स में तीनों पाइप मिलके भर देगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाइप वन एंड पाइप टू, ठीक है। पाइप वन एंड पाइप टू वेयर ओपन टू फिल द टैंक फॉर ओनली 2.5 आवर्स, ठीक है, ओके। एंड पाइप थ्री वॉज ओपन फॉर द नेक्स्ट ओनली 4.5 आवर्स एंड पाइप फोर वॉज ओपन फॉर नेक्स्ट ओनली 5.5 आवर्स एंड द रिमेनिंग टैंक इज फिल्ड बाई द पाइप सिक्स अलोन, ठीक है। हाउ मच टाइम विल द टाइम विल पाइप सिक्स विल टेक टू फिल द रिमेनिंग टैंक, ओके। तो मतलब पाइप वन, पाइप टू, पाइप थ्री एंड पाइप फोर, ठीक है, ये तीनों जो है ये बारी बारी से खोला गया, ठीक है, और तीनों को कुछ टाइम के बाद चले और कुछ टाइम के बाद बंद कर दिया गया, ठीक है। कुछ टाइम तक ऑन रहा पाइप और उसके बाद बंद कर दिया, मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ टैंक जो है वो भरा होगा, ठीक है। लेकिन कुछ फिर कुछ मतलब टैंक खाली रह गया, उसको कौन भर रहा है, पाइप सिक्स भर रहा है। तो पाइप सिक्स जो है वो खाली टैंक को कितना देर में भरता है, यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पाइप वन। पाइप वन अगर मान लेते हैं कि 100% मान लिया, ठीक है, हमारा 100% टैंक है, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि पाइप वन जो है किसी भी मतलब पूरा टैंक को भरने में कितना लगा रहा है, 20 घंटा लगा रहा है, ठीक है। तो मतलब एक घंटे में वो कितना परसेंटेज ऑफ टैंक भर रहा होगा, 5% ऑफ टैंक भर रहा है, ठीक है। और कितना देर खोला गया था, 2.5 आवर्स के लिए खोला गया था, इंटू 2.5 आवर्स, ओके। तो 5 × 2.5 = 12.5 हो जाएगा, ठीक है। 12.5% ऑफ टैंक जो है पाइप वन भर दिया, ठीक है। अब पाइप टू जो है वो भी खोला गया था, ठीक है। पाइप टू जो है कितना मतलब 25 आवर्स में पूरा टैंक को भरता है, ठीक है। तो एक घंटे में वो कितना परसेंटेज ऑफ टैंक भरा होगा, 100/25 = 4, यानी एक घंटे में 4% ऑफ टैंक भर रहा है। तो 2.5 आवर्स के लिए खोला गया है, तो 2.5 आवर्स में वो कितना परसेंटेज ऑफ टैंक भर रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10%, ठीक है। तो पाइप वन एंड पाइप टू जो है वो मिलके कितना परसेंटेज ऑफ वर्क परसेंटेज ऑफ टैंक भर रहा है, 32.5% ऑफ टैंक जो है, सॉरी 22%, ओके, 22% ऑफ टैंक जो है वो भर रहा है। अब इसके बाद जो है पाइप वन और पाइप टू को क्लोज कर दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद पाइप थ्री को ओपन किया गया। पाइप थ्री देखिए, तो पाइप थ्री जो है 45 आवर्स में पूरा टैंक भर रहा है, तो एक घंटे में कितना भरेगा पाइप थ्री का, ठीक है, पाइप थ्री का एक घंटे में इतना परसेंटेज ऑफ टैंक भरेगा। और कितना देर के लिए खोला गया था, 4.5 आवर्स के लिए खोला गया, इंटू 4.5 करेंगे हम लोग, ठीक है। ये डेसिमल हटाएंगे, नीचे में 10 आ जाएगा, ठीक है। 00 गेट कैंसिल्ड एंड 45 गेट कैंसिल्ड, सो 10% ऑफ टैंक भर गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है पाइप थ्री क्लोज कर दिया गया, 4.5 आवर्स के बाद पाइप थ्री बंद हो गया। अब उसके बाद पाइप फोर खोला गया। पाइप फोर जो है कितना घंटा के लिए खोला गया, 5.5 आवर्स के लिए खोला गया। तो सबसे पहले देखते हैं पाइप फोर जो है 55 आवर्स में पूरा टैंक भर रहा है, तो एक घंटे में कितना पाइप एक घंटे में कितना पानी भरेगा, तो अपॉन 55 करेंगे, और 5.5 आवर्स के लिए खुला हुआ था तो अपॉन इंटू 5.5, ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 0 गेट कैंसिल, 55 गेट कैंसिल, सो 10% ऑफ, मतलब पाइप फोर जो है 10% ऑफ टैंक जो भर रहा है, ठीक है, 5.5 आवर्स में, ठीक है। तो टोटल जो है 1 + 2 + 3 + 4 जो है चारों पाइप मिलके कितना परसेंटेज ऑफ टैंक भरा, तो 12.5 + 10 = 22.5 कितना हो गया, 32.5 + 10 = 42.5। तो 42.5% ऑफ टैंक जो है वो भर दिया गया इन चारों पाइप के द्वारा, ठीक है। अब कितना परसेंटेज ऑफ टैंक जो है वो खाली रह गया, तो 100 - 42.5 करेंगे हम लोग, ठीक है।
तो कितना आ जाएगा ये 0.5 हो गया, ठीक है, ये सेवन हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यानी 57.5% ऑफ टैंक जो है वो अभी भी खाली है और वो कौन भरेगा, पाइप 6 भरेगा, ठीक है। तो पाइप 6 को ओपन किया गया, तो पाइप 6 जो देख रहे हैं हम लोग 24 आवर्स में 100% ऑफ टैंक भर रहा है, ठीक है। तो 100% ऑफ टैंक भरने में पाइप 6 कितना घंटा लगा रहा है, 24 आवर्स लगा रहा है। तो 57.5% ऑफ टैंक भरने में कितना घंटा लगाएगा, तो 24 × 57 जस्ट यूनिटरी मेथड है ये, कुछ नहीं करना है आपको, अपॉन 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये हटेगा तो ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा आप दोस्तों, तो मैं ये कैलकुलेशन मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 13 hours 48 minutes। ओके, तो देख रहे हैं कितना इजी हो रहा है परसेंटेज मेथड से कैलकुलेट करना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पाइप 1 एंड पाइप 2 आर यूज टू फिल द टैंक, ठीक है, आर यूज टू फिल द टैंक एंड पाइप 3 इज यूज टू एम्प्टी द टैंक, ओके, फॉर 5 hours, ठीक है, 5 घंटे के लिए ये तीनों पाइप जो है ऑन था। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल टैंक इज फिल्ड, ओके। सो तो सबसे पहले तो पाइप 1 पाइप 2 देखते हैं, तो मान तो पाइप 1 और पाइप 2 जो है एक 1 hour में कितना परसेंटेज ऑफ 1 hour में पाइप 1 जो है कितना परसेंटेज ऑफ टैंक भर रहा है, 5% ऑफ टैंक भर रहा है। पाइप 2 जो है 1 hour में कितना परसेंटेज ऑफ टैंक भर रहा है, तो 4% ऑफ टैंक। अब पाइप 3 जो है जो कितना 1 hour में कितना परसेंटेज ऑफ टैंक भर रहा है, खाली कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि एम्प्टी द टैंक कर रहा है, तो 100 upon 45, ओके। तो ये दोनों भर रहा है, ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 9%, ओके, और ये खाली कर रहा है, ठीक है। तो 5 से अगर करते 5 20 5 9, ओके, तो 20 upon 9% भर खाली कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है कितना देर के लिए, 5 घंटा के लिए, ओके। तो 5 घंटा के लिए तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 5 of 45% ऑफ इतना टैंक भर रहा है पाइप 1 और 2 5 घंटे में, ठीक है। लेकिन पाइप 3 जो है खाली कर रहा है, तो हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा कितना में, 100 upon 9%, ठीक है। तो ये जब कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 400 minus 100 upon 9 कितना हो जाएगा, 305 upon 9%, ओके। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 33.88 आ जाएगा, ठीक है, 88% इतना परसेंटेज ऑफ टैंक जो है वो भर दिया गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, समझ गए होंगे कैसे मैंने सॉल्व किया इसका, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा क्या कह रहा है, पाइप 4 इज फिलिंग द टैंक फॉर 2 hours and 45 minutes, ठीक है। पाइप 5 इज फिलिंग द टैंक फॉर 210 minutes। पाइप 3 इज फिलिंग द टैंक फॉर 1 hour मोर देन पाइप 5, ठीक है। इफ द रिमेनिंग टैंक इज फिल्ड बाय पाइप 1 एंड पाइप 2 टुगेदर, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक, ठीक है। सबसे पहले तो पाइप 4 का देख रहे हैं, पाइप 4 जो है 55 आवर्स लेता है टैंक भरने में, ठीक है। तो कितना देर पाइप 4 जो है कितना देर खुला हुआ था, 2 hours 45 minutes, ये मीन्स 2 3/4 कितना हो जाएगा, 4 2 8 + 3 11/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 2.75, ओके, 2.75 आवर्स के लिए पाइप 4 जो है वो ऑन था, ठीक है। तो देखते हैं कि इतने आवर्स में पाइप 4 जो है कितना परसेंटेज ऑफ टैंक जो है वो भरा, ठीक है। तो 100 upon 55, ओके, इंटू 2.75, तो ये कितना हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे 100 हो जाएगा, ये और ये गेट कैंसल्ड। सो ये अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर 55 × 5 करेंगे तो 275 आएगा, ओके। मतलब 5% ऑफ टैंक जो है वो पाइप 4 भरा, सिर्फ 5% ऑफ टैंक भरा 2 घंटे 45 मिनट में। अब पाइप 5 देखते हैं, तो पाइप 5 जो है वो 35 आवर्स ले रहा है किसी भी टैंक को भरने में, तो 210 मिनट है, तो उसको आवर्स में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। 3.5 आवर्स पाइप 3 पाइप 5 ओपन था, ठीक है।
तो कितना परसेंटेज ऑफ वर्क, कितना परसेंटेज ऑफ टैंक जो है वो भर रहा होगा पाइप फाइव, तो 100 अपॉन 35 ओके इंटू 3.5 ओके, ये डेसिमल टैंक है 10, ये और ये 35 गेट कैंसिल, तो 10% ऑफ टैंक जो है वो कौन भर रहा है, तो पाइप फाइव भर रहा है, ये टैंक पाइप फाइव का है ठीक है, ये जो है किसका है फोर का है ठीक है। अब जो है थ्री का देख रहे हैं, टैंक थ्री जो है कितना घंटा, 1 आवर्स मोर देन पाइप फाइव ठीक है, तो पाइप फाइव जो है 3.5 आवर्स ऑन था, तो पाइप थ्री जो होगा वो कितना आवर्स होंगे, 4.5 आवर्स के लिए ऑन था ठीक है पाइप थ्री, तो पाइप थ्री जो है कितना एक टैंक को भरने में कितना आवर्स लगा रहा है, 45 आवर्स, तो मिस तो 4.5 आवर्स में कितना परसेंटेज ऑफ टैंक बढ़ेगा, तो 45 × 4.5, तो ये कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको फिर से 10% आ जाएगा ठीक है। तो पाइप ये किसका हो गया, पाइप थ्री का हो गया ठीक है, तो टोटल जो है अब कितना, पाइप फोर पाइप फाइव और पाइप थ्री फोर फाइव ओके, कितना परसेंटेज ऑफ टैंक भरा ओके देखते हैं, तो 10% + 10% कितना हो गया 20 + 5 = 25 मीन्स 25% ऑफ टैंक जो है वो भर चुका है ठीक है, तो खाली कितना रह गया, 75% ऑफ टैंक खाली रह गया ठीक है। अब पाइप वन और पाइप टू जो है दोनों मिलके टैंक को भर रहे हैं ठीक है, रिमेनिंग टैंक जो खाली है उनको भर रहे हैं, तो पाइप वन जो है किसी भी टैंक को भरने में कितना घंटे एक घंटे में कितना परसेंटेज ऑफ टैंक भरेगा, तो वो हम निकालेंगे 5% ठीक है, और ये जो पाइप टू है एक घंटे में कितना परसेंटेज ऑफ भर रहा है, तो 4% ठीक है, तो दोनों मिल के देखें तो 9% ऑफ टैंक जो है 1 आवर्स में भर रहे हैं ठीक है, पाइप वन और पाइप टू जो है भर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ अब खाली कितना है, मतलब 9% ऑफ टैंक भरने में एक घंटा लगा रहा है पाइप वन और पाइप टू, तो 75% ऑफ टैंक खाली है, तो उसको भरने में कितना घंटा लगाएगा, 1/9 × 75, तो इसको जो कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8.9 × 72 ठीक है, 8 आवर्स एंड 20 मिनट्स ओके, ये आ जाएगा 8 आवर्स एंड 28 2/9 हो जाएगा, इंटू 60 कीजिएगा ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा ठीक है, ये यहाँ पे 3 होगा 3 3 3 20 ओके, सो 8 आवर्स एंड 20 मिनट्स ओके, समझ गए होंगे दोस्तों कैसे मैंने सॉल्व किया ठीक है। अब परसेंटेज मेथड कितना ईजी है टाइम एंड वर्क में, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टर्न ओके, तो कितना इजी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कितना इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें, और कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करें, मैं आपके प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के बीच में, इससे आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको अगर किसी भी पाइप एंड सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम होगा ठीक है, तो उनको जो क्लियर हो पाएगा ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें मतलब डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर दिया है मैंने ठीक है दोस्तों, तो आपको आपके फ्रेंड को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी ठीक है। ओके दोस्तों बाय।